दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाने यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। मोबाइल देख रहे हैं मोटोरोला का ये फ़ोन है, इसका मॉडल नंबर है XT1643 और इस मोबाइल के अंदर में जो है FRP लॉक है और ये मेरे सब्सक्राइबर का फ़ोन है, इन्होंने उड़ीसा से हमें कॉल किया था और उसके दौरान जो है मैंने इसे यहाँ से जो है अनलॉक किया है। दोस्तों इस मोबाइल को मैंने जो है विदाउट बॉक्स अनलॉक किया है, इसका FRP आप पूछेंगे क्या ये पॉसिबल है, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ये पॉसिबल है, आप जो है विदाउट बॉक्स इस मोबाइल का जो है FRP अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के साथ आप बने रहें और आपको मैं बता देता हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपको इसका जो है FRP अनलॉक करना है। दोस्तों सामने जो आप ये टूल देख रहे हैं ये कंप्रेसर फाइल है, इस टूल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस टूल को आपको सबसे पहले एक्सट्राहेयर करना होगा, एक्सट्राहेयर करने के बाद आप इस टूल को ओपन कर सकते हैं। चलिए हम इस टूल को पहले यहाँ पे एक्सट्राहेयर कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं कैसे जो है इस टूल का हमें यूज़ करना है और इस मोबाइल का जो मोटो G4 Plus है XT1643 इस मोबाइल का कैसे हमें FRP अनलॉक करना है। दोस्तों ये टूल को हमने एक्सट्राहेयर किया, उसके बाद यहाँ पे सेम उसी नाम का फोल्डर बन चुका है, इसके अंदर में एक टूल है, इस टूल को हमने ओपन किया। उसके बाद आगे हम दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें एक जो है पासवर्ड है, तो इस पासवर्ड को भी हमें यहाँ पे ओपन करना होगा और इस पासवर्ड को हमें ओपन करके इसके पासवर्ड को हमें यहाँ पे कॉपी करना होगा। ठीक है, तो चलिए इस पासवर्ड को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद हम इस टूल के अंदर में इस पासवर्ड को पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों पासवर्ड को हमने जो इस टूल के अंदर में यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, उसके बाद हमें अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद मोबाइल को जो है ऑफ करना है, ऑफ करने के बाद मोबाइल का वॉल्यूम माइनस और पावर की कंटिन्यू सेम टाइम हमें दबा के रखना है। उसके बाद मोबाइल के अंदर में जो है फास्ट बूट मोड आ जाएगा, उसके बाद कुछ करना नहीं है, सिर्फ मोबाइल को लगा देना है अपने कंप्यूटर से। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस टूल की जो खासियत है कि ये जो टूल है ये मोटोरोला के किसी भी फ़ोन का जो ADB ऑटोमेटिकली जो है इनेबल कर देता है। दोस्तों इस टूल के माध्यम से जो है आप मोटोरोला का जो है FRP अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस टूल के माध्यम से आप एंड्रॉयड वर्जन 7.0 को अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड वर्जन 7.0 से अगर ऊपर का वर्जन आएगा तो उससे जो है आप इस टूल से अनलॉक नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मैं बता दूं लेकिन फिर भी ये टूल जो है आपके काम में आ सकता है। पूछे क्यों, क्योंकि ये टूल जो है ADB इनेबल कर देता है किसी भी मोटोरोला फ़ोन का। ठीक है, तो आप मान के चलिए अगर आपके पास मेडिकल बॉक्स है या आपके पास UMT डोंगल है तो UMT डोंगल में आप मोटोरोला FRP रीसेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ADB इनेबल करने की जरूरत पड़ेगी और वहाँ पे जो उस टूल में जो है आपको UMT डोंगल में ADB इनेबल नहीं होगा, लेकिन इस टूल के माध्यम से आप किसी भी मोटोरोला का जो है ADB इनेबल कर सकते हैं। तो जैसे आप मोबाइल को जो है फास्ट बूट मोड में लगा देंगे कंप्यूटर में, उसके बाद इस टूल का आप यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे ये टूल ADB इनेबल करेगा उसके बाद इस टूल को आपको जो है क्लोज कर देना है और ADB इनेबल रहेगा मोबाइल का, मोबाइल कंप्यूटर में लगा हुआ ही रहेगा, उसके बाद जो है आप UMT डोंगल से उसका जो है मोटोरोला FRP रीसेट कर सकते हैं। या आपके पास अगर मेडिकल बॉक्स है तो मेडिकल बॉक्स में भी जो आप एंड्रॉइड टूल में जा करके वहाँ पे जो है ADB एक्स्ट्रा में मोटोरोला FRP वहाँ से रीसेट कर सकते हैं। यानी ये टूल जो है हमारे जो है बहुत ही काम की चीज़ है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एंड्रॉइड वर्जन 7.0 है, इसलिए इसे हम जो विदाउट बॉक्स से जो है इसका FRP अनलॉक कर दिए हैं। और जैसे इस मोबाइल का FRP अनलॉक होता है उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल रिस्टार्ट होगा और रिस्टार्ट होकर डायरेक्टली ये मोबाइल ऑन हो जाएगा। और ये मोबाइल जो है मेरे सब्सक्राइबर का है और ये उड़ीसा से है। मेरा नाम रामचंद्र साहू हूँ, उड़ीसा से हूँ। मोटोरोला G4 प्लस XT1643 FRP अनलॉक नहीं हो रहा था, मैंने 2 दिन से परेशान था, इसलिए मैंने मनन साहब से कमेंट की और उन्होंने मेरे को फ़ोन करके ऑनलाइन से FRP अनलॉक करके दे दिया। तो दोस्तों इस मोबाइल का FRP अनलॉक हो चुका है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।